इसराइल का दक्षिणी इलाका ये एसडरॉट से कुछ आगे का इलाका है और यहाँ बिल्कुल फॉरवर्ड पोजीशन है। ये यहाँ तोप ने पोजीशन लिया हुआ है। देखिए किस तरीके से एक जो खेत है उस खेत में एक गड्ढा खोदकर और टैंक को उसकी आड़ में जो तोप है उसको उसकी आड़ में लगाया गया है और यहाँ से रह रहकर फायरिंग होती है गाजा की तरफ। ये जो ऊंचाई वाला इलाका है इसके उस पार जो है वो गाजा है और इस जगह को इसलिए पोजीशन किया गया है, पोजीशन के लिए चुना गया है क्योंकि एक आड़ मिलती है जमीन की यहाँ पर। यहाँ जमीन जो है थोड़ी सी उठी हुई है तो यहाँ से रह रहकर जो अलग अलग ठिकानों पर है वो फायरिंग की जा रही है। और यहाँ ये जो मुस्तैदी है ये हाल के दिनों में बढ़ाई गई है। तकरीबन 3 लाख जो सैनिक हैं और जो असलहे हैं, जो हथियार हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिसकी की एक लंबी लाइन जो है मैंने अभी देखी है, तो वो सब यहाँ पे मुस्तैद किया गया है क्योंकि इसराइल जो है वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी में है। गाजा में घुसकर वो हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को ख़त्म करने की तैयारी में है, इस बात का वो ऐलान कर चुका है। और इसलिए ये इस पूरे इलाके में देखिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर तैयार रखा गया है तोप को और जो भी लोकेशन इनको दिया जाता है उस लोकेशन पर यहाँ से फायरिंग होती है। तो आज जो है वो रॉकेट के हमले गाजा पट्टी की तरफ से देखने को और सुनने को कम मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे ठिकानों को हवाई हमले से नष्ट किया है इसराइल ने और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ कैजुअलिटीज भी हुई है, उसकी जद में आम लोग भी आए हैं, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ इस फॉरवर्ड पोजीशन पर देखिए कि इसराइल का झंडा लगा हुआ है और तोप जो है वो बिल्कुल पोजीशन पर है। और ये जो गाजा पट्टी से लगता हुआ इलाका है ऐसे पूरी लाइन पर इसको जो है इस तरह की जो बंदोबस्ती है वो की गई है। एक इस तरह का जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है इसराइल, जिसके जरिए अब उसने कहा है कि हमास को की पीढ़ियां जो है उनके जो सदियां याद रखेंगी, उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। तो जिस तरीके से 1300 आतंकवादियों की मौत हुई और उसके बाद जो एक जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है उसका अगला पड़ाव जो है और वो ज्यादा अहम पड़ाव है। और खतरा इस बात का भी है कि अगर गजा में घुसे तो क्या फिर ईरान चुप बैठा रहेगा या फिर जो सीरिया है वो चुप बैठा रहेगा या इस इलाके के दूसरे जो अरब कंट्रीज हैं जिनकी सिंपैथी हमास के साथ है क्या वो चुप रहेंगे और क्या अगर वो भी युद्ध में शामिल होते हैं तो फिर क्या अमेरिका भी, जो कि मदद तो कर ही रहा है इसराइल की, लेकिन क्या सीधे तौर पर वो भी युद्ध में कूदेगा? उसने 2 समुद्री बेड़े अपने भेज दिए हैं भूमध्य सागर में और उनके जो लड़ाकू विमान है वो लगातार गश्त लगा रहे हैं। तो क्या ये युद्ध जो है वो एक आतंकी जो हमला है उस आतंकी हमले के बाद हमास के खिलाफ जो ये एक जवाबी कार्रवाई है क्या वो बढ़कर एक इलाकाई युद्ध का रूप लेगी? इस बात की जो आशंका है वो जताई जा रही है। लेकिन बहुत कुछ कूटनीतिक, ये रणनीतिक मैदान है और बहुत कुछ कूटनीति के जरिए भी आगे होना है। तो देखना है कि क्या कूटनीति इसको किस दिशा में ले जाती है और किस तरीके से इसराइल जो है क्या हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने में कामयाब होता है और क्या वो फिर से एक कब्जे की बात करता है इसराइल पर गाजा पट्टी पर या अपना ऑपरेशन करके लौट आता है। तो ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ फॉरवर्ड पोस्ट से आपके लिए मैं उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।